हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी चैनल पे इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि यहाँ पे सेशन में मैक्सिमम लोग आना शुरू हो चुके होंगे क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फेस्टिव मूड में होंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे छोड़ो एक दो दिन की छुट्टी मना लेते हैं तो वैसा वाला मूड हो जाता है यूजुअली ऐसा वाला मूड हो जाता है बट एक चीज ध्यान रखा करो ये जो आप चीज़ें स्किप करते जाते हो ना वो लास्ट में जाके इतना सारा स्टेप इकट्ठा हो जाता है कि उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं पढ़ना तो छोड़ दो यार उसको फिर समझना नहीं होता फिर उसे रट्टा मारना होता है कि किसी भी तरीके से ये जो स्टेप तैयार किया है इसको सब रट्टा मार लें फिलहाल तो सेशन की करते हैं यहाँ पे शुरुआत गुड मॉर्निंग टू ऑल यहाँ पे सब लोग आना शुरू हो चुके हैं सत्यम शशांक आनंद सना खुशबू मंजीत आशीष नितिन निशी शशांक छोटू गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस सबसे पहला काम एक कर दो कि एक बार स लिंक को कॉपी करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए हर दिन सुबह सात बजे आप लोगों का मेन करंट अफेयर का सेशन रहता है और आज आप लोगों के लिए जो ग्यारह बजे का क्लास लगा हुआ है उसमें हम लोग कुछ स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग इन द सेंस उसमें क्या पढ़ेंगे आज हम लोग जितनी भी रिवर्स है इंडिया के अंदर उसके बैंक पे जितनी भी सिटीज़ आती हैं उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी ठीक है तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और शाम को देखेंगे अगर कोई भी अच्छा सा टॉपिक होता है तो उसको बर्निंग इशू में भी डिस्कस कर लिया जाएगा आई होप कि यहाँ पे सब लोग आना शुरू हो चुके होंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाई सबसे पहला काम जल्दी से जल्दी से एक बार से शेयर कर दो इसको ओके okay, एक बार मैं भी इसको शेयर कर दूँ ताकि जितने लोगों को लग रहा है कि मैम आज छुट्टी मना रही हैं उनकी थोड़ी सी नींद बींद खुल जाए क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि उनको लगता है कि यार तीन चार दिन तो छुट्टी मना ही लेते हैं बट पता है एक्चुअल फेस्टिवल तभी फील होता है वेन यू हैव समथिंग मतलब जब आपका अपना खुद का कुछ हो तो अच्छा लगता है कि हाँ यार दिस इज समथिंग समय आई आई हैड अचीव जब तक कोई अचीवमेंट्स नहीं होते ना तब तो, तो लाइफ में लगता है यार अभी इतना बाकी है इतना ये इतना वो फला निमा का ऐसा चलता रहता है फिलहाल आज के सेशन में क्या रहने वाला है जल्दी से एक बार से देख लेते हैं सबसे पहले न्यूज पेपर एनालिसिस इसमें आपको आज दो न्यूज पेपर एनालिसिस मिलेंगी इसके साथ में एमसीक्यू का सेशन होगा वर्ल्ड नाइन न्यूज़ में तीन या चार न्यूजेस हैं जो हम लोग बात करेंगे इसके बाद आपका स्टेट का पार्ट देन आपका कंट्री रहेगा आज मैंने कोई होमवर्क के पार्ट पे ऐसे चीज इंक्लूड नहीं करिए क्योंकि मैं आपको होमवर्क जो है वो अलग से बताने वाली हूँ और आप लोग वो होमवर्क करेंगे ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग यहाँ आके नहीं होता है लाइक अनूप जो है वो टेलीग्राम पे गुड मॉर्निंग भेज रहा है भैया सेशन में आ जाया करो क्लास शुरू हो चुका है मौसम अमन दीपक पंकज पिंटू अनिल मिस्टर बंगाली यश राधा सुदीप विनय विशाल विवेक पंकज आरपी चलिए अच्छा जीतू इनोसेंट बॉय दीपक लवप्रीत अखिलेश आशीष गुड मॉर्निंग तो यहाँ पर अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं उससे पहले आपको एक बार से बता दें कि आज से आप लोगों के जो स्पेशल सेशन है अन अकेडमी पे वो लाइंड अप हो गए मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लासेस हैं ये ट्यूसडे से चलेंगे आपको क्या करना है अन अकेडमी यहाँ पे जाना है यहाँ ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गोल सेलेक्ट करना है जो आपका पहला क्लास होगा दो बजे उसके लिए आपको गोल सेलेक्ट करना है यूपीपीएससी फिर जाना है सर्च के ऑप्शन में सर्च के ऑप्शन में यहाँ पे जाके आप मेरा नाम मेंशन करोगे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे इसी के साथ जब आप शाम के क्लास के लिए ज्वाइन करोगे तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है बट वहां पे जो गोल सेलेक्ट करना है वो क्या होगा एसएससी होगा ऑल दो इन सबसे ईजी तरीका ये है सीधे टेलीग्राम पे आओ और वहां पे आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे क्लास होगा कौन सा आज दो बजे आप लोगों के लिए एन होगा जिसमें जीडीपी जीएनपी ये सब क्या होता है इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया चाइना और जो आ, अमेरिका है इनके बीच में क्या क्या इश्यूज हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे फिर शाम को छः बज के दस मिनट पे आपका लूस इन पॉलिटी का सेशन है तो उसे देखना मत भूलेगा दीज क्लासेस फ्री हैं इंपॉर्टेंट हैं और इनकी इंपॉर्टेंस को समझना शुरू करो आज 9 बजे तक आपको इन दोनों क्लासेस के जो लिंक हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की देखिए कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कल नहीं एक्चुअली मैंने परसों आप लोगों को होमवर्क दिया था कल तो संडे था कल कौन होमवर्क देता है सॉरी कल तो मंडे था ट्यूज संडे को मैंने आपको लास्ट में कोई होमवर्क नहीं दिया था तो कल मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बोला था कि जितने भी डेज ट्यूजडे में अभी आपके जुलाई में सेलिब्रेट हुए हैं उनकी एक लिस्ट देना पता नहीं क्या बिखरी बिखरी से लिस्ट दी हुई थी किसी ने कोई भी परफेक्ट आंसर ही नहीं लिखा था गाइस जब भी मैं बोलती हूँ राइट द आंसर तो राइट द आंसर का मतलब ये होता है कि आंसर को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखोगे ना तो प्रॉफिट आपका होता है जब आप एक चीज ढूंढने निकलोगे तो आपको तीन चार चीजें यहाँ पे अलग से मिलती चली जाती हैं ठीक है गुड मॉर्निंग मोहन आनंद न्यू रेखा राधिका धीरज सुजीत अभय प्रफुल आनंद गुड मॉर्निंग टू ऑल भाई अनिशा गुड मॉर्निंग गाइज एक बार से लिंक को कॉपी करके फटाक से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और आप में से जो भी ऐसा होता है जो चैनल पर पहली बार आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें ओके थॉट ऑफ द डे हर दिन जैसे कोई ना कोई एक अच्छा सा थॉट होता है तो पहले जरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थॉट के बारे में जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह आपको उठने पे मजबूर करते ये थॉट एक्चुअली मैंने आज इसलिए ढूंढा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आया था थॉट बट मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा इफेक्टिव बना लेते हैं क्योंकि ये आज बिल्कुल सूट कर रहा है होता क्या है हम लोग फेस्टिव टाइम पे क्या करते हैं लाइक होली दिवाली रक्षाबंधन यहाँ पे काफी सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसको हम लोग करीबन पाँच-छः दिन तक लगातार सेलिब्रेट करते चले जाते हैं लेकिन हम ये चीजें भूल जाते हैं कि इन सब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते करते हम जो चीजें छोड़ते चले जा रहे हैं उन चीजों तक वापस से हम कैसे पहुंचेंगे क्योंकि लाइफ में ना वो वैसे वाला होता है अच्छा आज यहाँ पे चलना है चलो चलो जल्दी से चलते हैं घूमकर आते हैं लेकिन यार दिस इज द कंडीशन ये जो अभी आपका कोविड की वजह से जो लॉकडाउन की कुछ जगह पे सिचुएशन है अभी उसको हम फॉलो करना भूल जाते हैं ऐसा सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ ये रियलिटी है मतलब ये मैंने देखा है उसके बाद ही मैं आपको ये चीज बता रही हूं तो यहाँ पे बस ये चीज बताई जा रही है कि आपका जो थॉट है आपका जो फेथ है आपका जो गोल है उन सब चीजों के लिए आपको डेडिकेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बहुत ज्यादा पैशनेट होना जरूरी होता है कई बार मेरा भी मन होता है मेरी भी इच्छा नहीं हो रही होती सुबह उठे अरे यार सुबह चार बज गया काश थोड़ी देर अलार्म जो है थोड़ा दस मिनट और बाद में बसता है कितना अच्छा लगता है दस मिनट की नींद बड़ी प्यारी लगती है लेकिन पता है ये जो दस मिनट की नींद प्यारी के चक्कर में क्या हो जाता है ना एक आध न्यूज जरूर छूट जाती है तो ऐसा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये देखो ये चीज़ें आप ही कर सकते हो कोई दूसरा आपके लिए आगे नहीं करेगा तो दिस इज अ थिंग लाइफ में अपना जो गोल्स सेट करते हो उसके लिए पैशनेट होना सीखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहली न्यूज़ हेडलाइन से जो आपके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली देखो Uh, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिस्कशन किया था लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को लेके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आपको ये चीज मालूम है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है ये पहले क्या हुआ करता था स्टेट था राइट इनको क्या बनाया गया यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जब भी किसी जगह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो वहां का जो प्रशासन होता है वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके हाथ में आ जाता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है अब देखो हुआ क्या लास्ट ईयर यानी कि 2019 में एक प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर पारित किया गया था जिसमें बोला गया था कि आर्टिकल नंबर 370 जिसके अंदर काफी सारे अधिकार दिए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर को उनको पूरी तरीके से खत्म करने की बात बोली गई थी और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से, से क्या बना दिया गया था एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया ये सारी चीजें कब हुई थी ये सारी चीजें पांच अगस्त को हुई थी कब हुई थी पांच अगस्त को हुई थी अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स और है, वो भी डिस्कस करेंगे अब देखो हुआ क्या अब यहाँ पर श्रीनगर के अंदर आप देख सकते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया गया आप कहेंगे कर्फ्यू काय के लिए मैम ये तो हुआ था लास्ट ईयर ना एक्चुअली कर्फ्यू यहाँ पे इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने बोला है कि जो पांच अगस्त का दिन है इसको यहाँ पर ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा कौन पाकिस्तान तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि इस जगह पर कुछ ऐसी चीजें हो जाए या फिर मे भी यहाँ पे टेरिस अटैक कुछ ऐसा अगर होने के चांसेस भी हैं तो उसको रोकने के लिए पहले से हम लोग तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में क्या किया गया है कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इनको यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से कब बनाया गया था थर्टी अक्टूबर टू को जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया अब कुछ पॉइंट्स हैं जब ध्यान से सुन लीजिएगा ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है आपको पूरी याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ हम आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं वो आपको याद करने हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर थ्री सेवेंटी जो है ये स्पेशल राइट्स देता था किसको जम्मू एंड कश्मीर को जिसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं अभी हम लोग वो पॉइंट्स एक बार से डिस्कस भी कर लेंगे जब यहाँ पे आर्टिकल नंबर थ्री सेवेंटी हटाया जाता है तो इसके लिए एक बिल आता है जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल यानी कि इसका मतलब क्या है जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके एरिया को चेंज कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रोविजन्स है उसके अंदर जो रूल्स है उसके अंदर जो चीज़ों को फॉलो किया जाता था उसको भी हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं अब अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि पहले जब राजा हरि सिंह हुआ करते थे उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा कौन से ईयर में बना था या फिर कौन सी डेट में बना था ये एक क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जा सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा 26 ऑफ अक्टूबर 1947 में ये भारत का हिस्सा था ठीक है ये कुछ पॉइंट्स हुए अच्छा आप देखो और क्या याद रखना है आर्टिकल नंबर 370 जो है इसमें कुछ राइट्स है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का फ्लैग होगा जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेशल स्टेटस इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नीति है अगर कोई भी पॉलिसी है कोई भी योजना है अगर उसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू करना था तो यहाँ पे एक प्रोविजन फॉलो किया जाता था वो क्या था किसी भी कानून को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फॉलो करने से पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उससे अनुमति लेना अनिवार्य था मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपको उससे पहले पूछना जरूरी हुआ करता था कब जब आर्टिकल नंबर कौन सा काम करता था थ्री इसी के साथ एक और आर्टिकल आपको मिलता है आर्टिकल नंबर ए जिसमें यह बोला जाता था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी भी बाहर बाहर का व्यक्ति का का व्यक्ति व्यक्ति मतलब है अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर का है चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट का क्यों ना हो चाहे बाहर की किसी भी कंट्री का क्यों ना हो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता था मतलब प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर नहीं थे इसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया ठीक है तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा वो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए इसके बाहर एग्जाम में कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं बनेगा ठीक है गुड मॉर्निंग भाई देखो काना गुड मॉर्निंग अब तुम लोग का गुड मॉर्निंग जो होता है ना कसम से बता रहे हैं या प्लीज सेशन में टाइम पे आ जाए करो तो आर द पॉइंट जो आपको याद रखना है अच्छा एक चीज और हुई थी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लोबल इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और ऐसी एक समिट जो है वो लद्दाख के एरिया में भी आयोजित करेगी इन सारी समिट्स को ऑर्गेनाइज करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बाहर से जितनी भी कंपनीज हैं अगर वो इंडिया के अंदर आके एफ लेकर आना चाहती हैं तो वो इन जगह पर आके अपना एफ जो है वो स्टैब्लिश कर सकती हैं दूसरा मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की बात हुई है जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने कम से कम सात सालों तक वहां पे काम किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो उसको वहां का नागरिक माना जाएगा फिर बोला गया था कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ जम्मू एंड कश्मीर से ही पास किया है तो भी उसको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको सिर्फ जो चीजें याद रखनी थी वो मैंने आपको बता दी है इंपॉर्टेंट रहेगा बस यहां पे एक आखिरी पॉइंट हो याद कर लेना वो क्या है जम्मू एंड कश्मीर की जब भी बात आती है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी जो है ये क्या कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक हमारे देश के अंदर एक बार भी लागू नहीं हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं करी जा सकती थी एज पर आर्टिकल नंबर 370. क्या आप मुझे यह बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा क्या भारत का कोई ऐसा राज्य है या फिर भारत का कोई क्या ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का फ्लैग है क्या आप मुझे से जल्दी जल्दी आई गजब क्या पूछा है भाई मतलब ऐसे सवाल यहां पे मत पूछो भाई अमर सिंह जी का जो नाम है वो आपको मालूम ही होगा समाजवादी पार्टी से एक काफी जाना पहचाना नाम है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है और कल भी ये नाम न्यूज में चल रहा था तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं कह सकते कि हाँ यार पॉलिटिकल चीजें हैं ये ठीक है चलो अच्छा दूसरी न्यूज पेपर हेडलाइन पे आते हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा प्रमोद करेक्ट बिल्कुल सही अच्छा अब देखो यहां पे एक पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप अंकल अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप अंकल की आजकल वैसी वाली कहानी हो गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर की तरफ वो जाए अभी दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो इलेक्शन है क्या इनकी डेट आगे नहीं बढ़ सकती ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था फिर मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने बोल दिया कि जो मीडिया है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी जब इलेक्शंस होंगे कहां पर यूएस के अंदर ये जो इलेक्शंस होने हैं ये इलेक्शंस का एक्चुअली आयोजन होना कब है नवंबर में अब देखो एक और नया स्टेप एक और नया स्टेप भैया आंसर ना आया दिल्ली तबीयत बबीर सही है तुम लोग की नागालैंड भैया माफ कर दो तुम लोग रहन दो इट्स कर्नाटका एग्जैक्टली exactly. कर्नाटका जो है वो काफी लंबे समय से यहाँ पे डिमांड कर रहा था और उनका खुद का अपना फ्लैग भी है जिसको वो स्टेट फ्लैग के नाम से जानते भैया ऐसे आंसर मत क्या करो नागालैंड पता नहीं कहां कहाँ चले गए घूमने चले अच्छा अब देखो ये न्यूज क्या है मैंने आपको बताया था एच वीजा के बारे में ये जो वीजा है ये उन लोगों को दिया जाता है जैसे कि मान लो कि कोई इंडियन है या कोई चाइनीज है या फिर कोई जर्मनी से है कोई फ्रांस है अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आई सेक्टर में काम करता है और यूएसए के अंदर जाके अगर वो काम करना चाहता है तो उसको एक वीजा जारी किया जाता है जिसका नाम क्या है एच वन बी वीजा ठीक है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कौन सा वीजा दिया जाता है कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये बताया था डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं जिसका नाम है अमेरिका फर्स्ट जिसका नाम क्या है अमेरिका फर्स्ट मतलब इनके जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं ये जो भी काम करते हैं तो इनकी सोच ये होती है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का नाम हो भाई नाम अमेरिका का करना दूसरी तरफ है एक्चुअली इनका जो बिजनेस माइंड है ना वो हमेशा ऐसे ही काम करता है कि जो भी होना अच्छा वहां ट्रंप जी का नाम आना चाहिए तो वो वाली सिचुएशन रहती है अब इन्होंने क्या किया है एच वन बी वीजा के लिए पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट को लेकर आए और उसको साइन करा के यहाँ पर इन्होंने एक लॉ ही पूरा का पूरा बना डाला क्या बोला है इसमें इसमें कहा गया है अब बाहर की जितने भी कंट्रीज हैं जहां से अगर कोई भी आई टी पर्सन यूएसए के अंदर आके काम करना चाहता है तो अब उसके ऊपर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा क्यों ऐसा क्यों किया इन्होंने इसका रीजन इन्होंने क्या दिया जरा वो देख लेते हैं देखिए यहां पे एफ वन बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल राइट right, देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने इंडियन आई टी प्रोफेशन जो है आपको मालूम है कि इन लोगों की नजरें हमेशा यूएस पे होती है कि वाह यार अगर मैं आई टी में काम कर रहा हूं तो एक ना एक दिन तो मैं यूएस जरूर जाऊंगा इन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये जो मैं नया लॉ लेके आ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम जो है ना वो सबसे ज्यादा किसके साथ है चाइना के साथ है और अगर हम देखें चाइना के अंदर तो चाइना का तो आईटी सेक्टर बहुत ही ज्यादा वास्ट है तो ओवरऑल यहां पे ये बोला जा रहा है कि टेन थाउजेंड से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो चाइना से यूएसए के अंदर आते हैं और जॉब करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो यूएसए के रहने वाले लोग हैं उनके जॉब्स चले जाते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से कि अपने इलेक्शन में अपनी जगह को एक तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी कंडीशन को बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा काम किया जा रहा है बट दूसरी तरफ वही है इनकी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी ना जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड में ये क्या काम कर रहे हैं अपनी खुद की जो कंपनीज हैं उनको बढ़ावा दे रहे थे सेम उसी तरीके से अब इन्होंने क्या किया अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको बढ़ावा देना इन्होंने शुरू किया तो ये ध्यान रखिएगा वीजा का नाम क्या है एच वन बी वीजा है अगर आपसे स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाएगा तो वो भी याद रखना इसके साथ मैंने आपको बताया था एक पॉइंट और प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का मतलब क्या होता है और साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि इनकी जो पॉलिसी है वो क्या है दैट इज यूएसए फर्स्ट या फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस प्लीज ध्यान रखना क्योंकि इसके ऊपर पूरा पूरा लॉय इन्होंने बना दिया है और उसको यहाँ पे पास भी करा दिया ठीक है अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताया था यूएन जो है उसका सेवेंटी फिफ्थ वाला जो सेशन है इसका आयोजन होगा आ, राइट बिल्कुल चित्रा बिल्कुल करेक्ट है आपने कलर्स भी बता दिए बहुत अच्छी बात है चलिए अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग अच्छा जरा यहाँ पे सुनिएगा सेवेंटी फाइव नंबर की जो यूएन की समिट होने वाली है जो एक आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसका आयोजन भी यूएसए के अंदर ही किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप होंगे जो वहां पर जाएंगे क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा ड्यू टू कोविड नाइनटीन चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं यहां से सवालों की गुड मॉर्निंग का सिलसिला अभी भी जारी है भैया समय पे आ जाए करो क्लास में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से बताइए कि नितिन गडकरी जी जिनके पास आपको दो मंत्रालय मिलते हैं एमएसएमई एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके द्वारा अभी हाल ही में एक ब्रिज है जिसका नाम है महात्मा गांधी ब्रिज जो बिहार के अंदर अभी हाल ही में ओपन किया गया है आपको बताना है कि ये जो ब्रिज बनाया गया है कौन सी नदी के ऊपर बना है आंसर क्या बनेगा यहाँ पे गंगा रिवर जब भी हम बिहार की बात करेंगे तो कोसी रिवर जो है उसको बोला जाता है सौरव ऑफ बिहार बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक ऐसी रिवर है जो नेपाल से होते हुए आती है और इसका जो डायरेक्शन है जो इसका ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है अच्छा नेपाल से देखो याद आया नेपाल ने क्या बोला है कि वो गूगल को और यूएन को अपना नया वाला मैप भेजने वाले हैं जिसके अंदर उन्होंने लेंपिथोरा लिपू लेख और जो तीसरी वाली जगह थी काला पानी इसको अपने मैप में दिखाया है अब वो मैप जो है वो पूरा वर्ल्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा तो ये अभी रिसेंटली नेपाल ने स्टेटमेंट दिया था अब देखो यहाँ पे गंगा जब हम गंगा की बात करेंगे मैंने आपको हजारों बार अब तो बता दिया है गंगा क्या है बी पास है जब हम महानदी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओरिसा की लाइफलाइन है जिसके ऊपर आपको हीराकुंड डैम मिलता है नेक्स्ट है आपका गोदावरी गोदावरी का अगर हम ओरिजन देखते हैं तो ओरिजिन आपको कहाँ से मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में त्रिंबक प्लेट्यू है वहां से इसका ओरिजिन होता है गोदावरी का जो डायरेक्शन है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट रहता है और ये जाके अपना डेल्टा कहाँ बनाती है बंगाल की खाड़ी में एक चीज ध्यान रखिएगा गोदावरी की एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मंजिरा रिवर याद रखना क्यों क्योंकि ये सिर्फ एक लौती राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी गोदावरी की अगला लिखा हुआ है कावेरी मैंने आपको बताया था तमिलनाडु के अंदर अभी हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया था सेक्शन में जल्दी से उस फेस्टिवल का नाम बताओ कल ही मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया था कावेरी रिवर जो है इसका जो ओरिजिन होता है कर्नाटका से होता है और इसका भी डायरेक्शन जो है वो भी क्या होता है बेस्ट टू ईस्ट यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके ये भी अपना बॉर्डर फॉर्म अपना डेल्टा फॉर्म करेगी बट लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको कई बार बता दिया है समानता के बारे में जिसमें एस एम एन टी ये चार ऐसी रिवर्स हैं जिनका डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट रहता है जिसमें से आप देख सकते हो नर्मदा रिवर इसका डायरेक्शन क्या होता है ईस्ट टू वेस्ट और ये रिफ्ट वैली से होते हुए जाती है यानी कि भ्रष्ट घाटी से होते हुए जाती है ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितने स्टेट से ये क्रॉस करती है एमपी महाराष्ट्र एंड गुजरात ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नर्मदा के ऊपर यूजअली हजारों बार सवाल पूछा जाता है आ, नाम नहीं आया क्या नाम था आदि पेकू पेकू कौन सा होता है पेटू ना बोल देना यार तुम लोग चलिए अच्छा <coughs> क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करी गई मैंने आपको बताया था जून के टाइम पे कि ये जो योजना है ये अगस्त में लॉन्च करी जाएगी और अब इसको लॉन्च कर दिया गया है कौन से स्टेट में आंसर विल बी राजस्थान राजस्थान के अगर सीएम पूछे जाएंगे तो अशोक गहलोत जी हैं और गवर्नर पूछे जाएंगे तो कलराज मिश्र जी हैं मैंने अभी आप लोगों को संडे को पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको स्पीकर इसके साथ में गवर्नर फिर मैंने आपको बताया था यहाँ के सीएम के बारे में और लास्ट मैंने आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी हाल ही में आपको राजस्थान की सियासत जो जंग चल रही है ना जो क्राइसिस चल रहा है उसमें देखने को मिल रहा है तो चलो पहले जरा देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखिये सबसे पहले उत्तराखंड उत्तराखंड के पॉइंट से काफी सारी वैसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट हुआ था उसमें यह पाया गया कि मैक्सिमम टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कौन से वाले नेशनल पार्क में दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसको पहले हम हेलीज नेशनल पार्क के नाम से जानते थे और ये कौन सी नदी के किनारे पर है तो रामगंगा रिवर के किनारे पर ये लोकेटेड है इसके अलावा यहाँ पे लाइकेंस के लिए एक बायोडाइवर्सिटी पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग हुआ था कब टू में इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है हरियाणा हरियाणा के लिए आपको याद रखना है कि फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन यहां पर होगा और अभी सेवेंटी फाइव परसेंट की जो सीट हैं प्राइवेट जॉब्स के अंदर वो रिजर्व करी गई हैं किसके लिए जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे यूथ हैं जो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं उनके लिए सूरज कुंड मेला यहीं पर सेलिब्रेट किया गया था हिमाचल प्रदेश के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ में मिलकर दी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चलो अच्छा राजस्थान के बारे में बात करते हैं ओके ठीक है अब देखो राजस्थान में लॉन्च की गई योजना अभी को लिखा है ना रसोई तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हम खाने पीने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि जब जितने भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको खाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं उन लोगों को अब क्या होगा आठ रुपए में खाना यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा ऐसी कोई योजना जो है कहीं और भी है क्या बिल्कुल है देखिए तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो आपको मोदी किचन का नाम मिलेगा हरियाणा के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अटल जी के नाम पे अटल कैंटीन मिलेगी और अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो यहाँ पे आपको शिव भोजनालय का नाम देखने को मिलेगा तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं भी पूछ लिए जाएंगे अब देखो यहाँ पर क्या है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करी गई है लेकिन ये ध्यान रखिएगा अर्बन एरियाज में अर्बन एरिया का मतलब हो गया जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र नहीं जो आपके शहरी इलाके हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया और ये आप देख सकते हैं कि कब से लागू हो जाएगा 20 अगस्त से इसको लागू कर दिया जाएगा जितने भी ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है जिनको न्यूट्रिशन चाहिए उनके लिए यहां पर जो खाना है वो सिर्फ और सिर्फ आठ रुपए में प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा इनिशिएटिव है बट वही बात है ना कि लागू कैसे होता है क्या होता है क्या नहीं होता वो तो बात की बात है अब देखो इसमें बोला गया है टोटल कितने किचन्स लगाए जाएंगे 358 फिफ्टी किचन्स लगाए जाएंगे और टोटल कितने एरियाज पे लगेगा तो 213 ऐसी जगह होंगी जहाँ पर इनको लगाया जाएगा आपको अगर याद आ रहा हो तो जो कैंटीन्स वगैरह अभी यूपी के अंदर जिसकी जियो टैगिंग भी करी गई थी गूगल पे तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो योजना लॉन्च करी गई है इसकी थीम क्या है नो हंगर नो स्लीप तो ये वो वैसा वाला है कि अगर आपको खाने ही नहीं मिलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी कई बार होता है ना घर पे नाराज हो जाते हैं घर वालों से और फिर खाना आना नहीं खाते हैं ऊपर से लेटे रहते हैं ऐसी चदर ओढ़ के तो वैसी वाली सिचुएशन यहां पर ना हो वेल जोक सपाट अब देखिए राजस्थान से एक और न्यूज है वो भी यहीं पर लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान की सरकार ने अभी बोला है कि वो फाइव रिजर्वेशन देने जा रही है लेकिन किसको ध्यान से सुनिएगा 5 का रिजर्वेशन देने जा रही है बैकवर्ड क्लासेस को किसको बैकवर्ड क्लासेस को यानी कि जो एक ऐसा वर्ग होता है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग है उसको यहाँ पे पांच परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा पहले ये रिजर्वेशन कितना हुआ करता था वन परसेंट अब क्या मतलब है इसका रिजर्वेशन देखिए करना क्या चाहते हैं देखिए यहां पर है क्या एक्चुअली यहाँ पर आपको पांच ऐसी कास्ट देखने को मिलती हैं जिसको यहाँ पर बोला जाता है कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड है जैसे कि गुज्जर हो गई गड़िया हो गई लुहार हो गई बंजर हो गया और रेबरी इस तरीके से हैं लेकिन हमसे यहाँ पे एग्जाम में गुज्जर जो है ये आपसे पूछा जा सकता है तो ये जितनी भी आपको यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस नजर आ रही हैं इन सबको रिजर्वेशन दिया जाएगा लेकिन काहे में तो ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर दिया जाएगा मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं अब उनको यहाँ पे रिजर्वेशन की सुविधाएं दी जाएंगी लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी स्टेट है अगर वो कभी भी किसी भी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन करता है चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो चाहे वो एजुकेशन के लिए हो एनी सेक्टर एनी सेक्टर तो मैक्सिमम वो रिजर्वेशन कितना कर सकता है 50 परसेंट मतलब अगर हर एक चीज को मिला दें तो ओवरऑल से 50 परसेंट का रिजर्वेशन है जो किसी भी स्टेट के अंदर किया जा सकता है लेकिन हर जगह पर एक्सेप्शन आपको मिलते हैं फॉर एक्साम्पल अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 62 से मेंसेंट का रिजर्वेशन होता है तो ये ध्यान रखिएगा कि एज पर दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कितना रिजर्वेशन होना चाहिए 50 रिजर्वेशन होना चाहिए अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर कर दो अभी कुछ टाइम पहले एक बिल आया था जिसमें कहा गया था जो जनरल कैटेगरी के, के लोग हैं उनको टेन परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया है संविधान संशोधन नंबर बता दो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए जल्दी आंसर आना चाहिए अब देखो राजस्थान के पार्ट पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कैपिटल क्या हो जाएगी जयपुर और जयपुर जो है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर ऐड किए जाने वाला सबसे नया वाला प्लेस है 2019 में इसको एड ऑन किया गया है इसके साथ में सबसे बड़ा शहर भी आपका जयपुर रहेगा और यहीं पर आपको कैमल जो है वो ऑफिशियल एनिमल मिलता है नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा सीटें है पच्चीस राज्यसभा सीट कितनी हो जाएंगी दस इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है किसके साथ पाकिस्तान के साथ अच्छा हाँ एक चीज और तो बताना भूल ही गए लोकस्ट याद है ना वो जो तितली जैसे थे जिन्होंने कुछ टाइम पहले भी काफी सारे स्टेट्स में अटैक वगैरह कर दिया था क्रॉप वगैरह जो फसलें वगैरह थी वो खराब कर दी थी राजस्थान ने डिमांड करी है कि जो लोकस्ट अटैक होता है ना इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए मतलब खैर देखा जाएगा कैसा होता है कि नहीं आ, विशाल सिक्सटी परसेंट कहीं पर भी नहीं है आप अगर जजमेंट उठा के देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का तो स्टेट के अंदर जैसे मैंने आपको तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया तो तमिलनाडु जो है वो 62 से लेके 69% परसेंट का रिजर्वेशन करता है क्योंकि यहाँ पे जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी के अंदर राइट्स होते हैं स्टेट के पास कि वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन कर सकता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखिएगा फिर यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को बोलिएगा वेल well, राजस्थान अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है जरा एक बार से देख लेते हैं राजस्थान ने अपना खुद का एक प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश कर लिया है ऑल दो इंडिया का सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो डेली के अंदर देखने को मिला गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत भी राजस्थान में हुई ऑपरेशन डेजर्ट चेस जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान के कुछ जासूस थे जिनको राजस्थान के अंदर पकड़ा गया उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन डेजर्ट चेस और लास्ट वाला आप देख सकते हैं वन स्टॉप शॉप जिसमें क्या होगा अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको इजी तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक ही डेस्टिनेशन मिलेगी अच्छा एक चीज और है इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया वो भी बता देते हैं यहीं पर वर्ल्ड ट्राइबल डे ये जो जनजातीय दिवस है ये मनाया जाता है कब नौ तारीख को यानी कि नौ अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो इन्होंने बोला है कि जो रिजर्वेशन हम कर रहे हैं ये रिजर्वेशन जो है कब से लागू हो जाएगा नौ तारीख से लागू हो जाएगा तो इसको भी याद रखना पता चला कहीं आते जाते कोई पूछ पूछ ले तो कम से कम आंसर पता होना चाहिए अगला सवाल बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में बोला है कि वो महात्मा गांधी को ऑनर देने के लिए उनका सम्मान करने के लिए कुछ सिक्के जारी करने वाले हैं आंसर बनेगा यहाँ पर यूके यूनाइटेड किंगडम है ये उत्तराखंड नहीं जरा ध्यान दीजिएगा आर्टिकल नंबर सिक्सटीन अमेंडेड एंड वन जीरो थ्री करेक्ट बिल्कुल सही है अब यह कोई भी ब्लॉक नहीं है पढ़ लो अब करेक्ट राजकुमार राइट चलिए अच्छा अब देखो इसका आंसर ये हुआ लेकिन देखो भैया यूएई तो आजकल इतनी तरक्की पे है तो जल्दी से मुझे बता दो कि अभी रिसेंटली न्यूक्लियर रिएक्टर जो यूएई का बनके तैयार हुआ है उसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ क्योंकि अरब नेशन का ये सबसे पहला यहां पर बनके तैयार हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर इसी तरीके से इंडिया का भी याद रखना काकरा पारा जो गुजरात के अंदर है ये भी अभी रिसेंटली एक्टिव हो गया है तीसरा वाला ठीक है तीन थे तीन में से दो पहले से काम कर रहे थे तीसरा वाला भी रिसेंटली ये आपका स्टार्ट हो चुका है अब बता दो अरब नेशंस में कौन सा वाला सबसे पहला बना है ओके यूएसए के पार्ट पे अभी हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारी डिस्कशन कर ही लिया है जर्मनी से याद रखिएगा कैपिटल क्या हो जाएगी बर्लिन करेंसी क्या रहेगी यहाँ पे यूरो और मैंने आपको बता दिया था एफ एफ की लिस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी जो चेयरमैनशिप होगी नेक्स्ट ईयर के लिए वो किसके पास जाएगी जर्मनी के पास जाएगी अगला लिखा है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से आपको क्या याद रखना है इसकी कैपिटल हो जाएगी कैनबेरा करेंसी क्या रहेगी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर बट एक पॉइंट भैया आंसर ना आया होप मिशन तो ठीक है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे सौभाग्य बरखा जो था वो इनका सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना है पूरे अरब नेशंस को मिला दिया जाए तो इनका सबसे पहला है ठीक है अच्छा होप मिशन अभी हाल ही में यहाँ लॉन्च किया गया और आईपीएल का पूरा पूरा शेड्यूल अब तो जारी होने जा रहा है तो आईपीएल भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा दिस इज इंपॉर्टेंट कैपिटल हो जाएगी अबुधाबी करेंसी रहेगी यहाँ पर देरह अब देखिए महात्मा गांधी जी के लिए ऑनर ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल किया होगा तो इनके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं जब हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ मालूम है कि इंडिया की बात हो या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करो तो जो रेशिज्म होता है ना जैसे कि कोले गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव करना जैसे कि अगर हम इंडिया में ही देख लें तो इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्थ ईस्ट के साथ इंडिया जो है वो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो साउथ के लोगों के साथ काफी ज्यादा डिफ्रेंशिएट करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज थी उस टाइम पर उनके वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा काम किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनको ऑनर दिया जा रहा है किसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अब आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब यूके का नाम आया है तो क्या क्या और चीजें भी हमको याद रखनी है सबसे पहले लंडन करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग और फिर मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में यहाँ पर यूके और इंडिया ने काफी सारे एग्रीमेंट भी साइन किए हैं जिसमें से एग्रीमेंट्स तो चलो नहीं आएंगे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि काफी सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं तो जो ऑथेंटिक है वही हमको याद करने हैं बट कॉप ट्वेंटी सिक्स जो है इसका आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड के अंदर कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप ट्वेंटी फाइव वाली जो है इसका आयोजन किया गया था मेड्रिड के अंदर विच इज अ कैपिटल ऑफ स्पेन स्पेन की वो राजधानी है और जब ट्वेंटी सिक्स की हम बात कर रहे हैं तो जो आलोक जी होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे अब देखो लंडन आया है लंडन से एमनेस्टी इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ नेशंस का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर और यहाँ पे ई का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ठीक है एग्जैक्टली ये पॉइंट अभी हम बताने जा रहे थे इसके साथ में अगर आपको याद आ रहा हो तो यूके ने अभी कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो जेट जीरो की शुरुआत करी है वो भी यूके के द्वारा करी गई है और यहाँ पे अगर आपको याद आए तो ब्रिक्सिट ये क्या था यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए एक यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रिक्सिट किया गया था जिसमें आखिरी दिन जो था इनका थर्टी ऑफ जनवरी ट्वेंटी था जब ये, ये यूरोपियन यूनियन से बाहर हुए थे तब तक ये, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे तो अगर ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो भी आई नो डांस आंसर कर ही ले जाओगे एक चीज और याद रख लो अजय वॉरियर एंड इंद्रधनुष ये दो एक्सरसाइजेज है जो इन दोनों के बीच में आयोजित किए जाती है मतलब भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में चलिए अच्छा एक बार से मैप भी देख लेते हैं मैप में देखो यहाँ पे अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है ऊपर की तरफ देखोगे तो आर्कटिक हो जाएगा यहाँ पर आपको नॉर्थ सी मिलेगा और यहाँ पर आपको फ्रांस की लोकेशन मिल रही है और इसके बीच में आपको इंग्लिश चैनल मतलब यूके दिस इज फ्रांस ये हो गया इंग्लिश चैनल इधर की तरफ आप देखोगे अटलांटिक यहां पर हो गया आर्कटिक और यहां की तरफ अगर देखोगे तो यहां पे आपको मिलेगा नॉर्थ सी एग्जाम में ऐसे ही सवाल उठा के पूछ लिया जाता है कि बता दो इसके लेफ्ट साइड इसके राइट right साइड इसके नॉर्थ में इसके साउथ में कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं तो कम से कम आंसर कर करके आना ठीक है चले देखो दिस इज वो अपनी श्रद्धा होती है वो अपनी श्रद्धा उसके बाद देखो ये सब पॉलिटिकल चीजें होती है ना तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे पॉलिटिकल इश्यू में डिस्कस नहीं करना है हमें वो पॉइंट पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं अगला सवाल देखिए वाई एस आर जगमोहन रेड्डी जी के द्वारा अभी हाल ही में एक महीने के लिए एक साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है जिसका नाम क्या रखा गया है ई रक्षाबंधन आपको बताना है कि इसको कौन सी जगह से लॉन्च किया गया है तो आंसर बनेगा यहाँ पे अमरावती कहा से लॉन्च किया गया अमरावती अब देखो आंध्रा आया ना तो आंध्रा के लिए भी एक बिल पारित किया गया है जिसमें बोला गया है आंध्रा की टोटल तीन कैपिटल्स होंगी विशाखापट्टनमूर और अमरावती तो इसको कहां से लॉन्च किया गया अमरावती से अब अमरावती से आपको और क्या याद रखना है इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हो गए ट्वेंटी फाइव और जो लेटेस्ट नंबर वाला हाई कोर्ट है वो कहां का है अमरावती का है अब इस कैंपेन में क्या होगा देखिए मैंने आप को बताया था तेलंगाना जो है उसकी कैपिटल हैदराबाद है और वहां पर साइबर शी की शुरुआत करी गई थी कुछ आया? उसी तरीके से यहां पर एक, एक वर्चुअल चलाई जाएगी ताकि जितने भी सोशल मीडिया हैं उन सब पे इनको बताया जा सके कि कैसे आप उनसे बच सकते हो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल एक लाख ऐसी महिलाएं होंगी जिनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी और थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट तक ये चलेगा अच्छा एक चीज और जब महिलाओं की बात हो रही है तो एक पॉइंट और हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कापू कम्युनिटी ये कहाँ की कम्युनिटी है तो ये आंध्र प्रदेश की है जिनको अभी हाल ही में बोला गया था सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अगले पांच सालों के लिए तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम यहां पे बात कर रहे हैं आंध्रा के बारे में तो आंध्रा से ध्यान रखिएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क साथ में यहां पे कलमकारी आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म यहाँ का हो जाएगा और हां पापीकोंडा नेशनल पार्क भी आपको आंध्र प्रदेश के अंदर ही मिलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है थीके? ओके साउथ कोरिया की है ये बिल्कुल सही बात है कोरियन टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया बिल्कुल राइट है अगला देखिए वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो मैंने पहले तो ये बताया था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट है ट्रिपल तलाक के लिए जो ऑर्डिनेंस आया था वो इस दिन पारित किया गया था तो मुस्लिम विमेंस के लिए जो राइट के लिए एक डे सेलिब्रेट होता है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट है लेकिन वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन सेलिब्रेट होता है कोई मुझे बता रहे हैं मैं ही आंसर करूँ करेक्ट करेक्ट जल्दी आंसर करके बताओ गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दो तो हम समझ गए कि तुम लोग का अभी फेस्टिव मूड जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑफ अगस्त को संस्कृत डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा थैंक्स वगैरह भी कहा गया अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं देखिए ये चीज मैंने आपको बता दी ये पॉइंट भी मैंने बता दिया अब सेलिब्रेट क्यों होता है देखो संस्कृत डे दे सेलिब्रेट इसलिए होता है ताकि इस लैंग्वेज को भी पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा दिया जा सके सेकेंडली अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो ऑल इंडिया रेडियो जो है इनके द्वारा एक प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है संस्कृत लैंग्वेज में ध्यान रखना संस्कृत लैंग्वेज में ही जिसका नाम क्या है बहुजन भाषा संस्कृत भाषा अब दिमाग में एक ख्याल आता है संस्कृत लैंग्वेज तो देखिए अभी रिसेंटली क्या था एजुकेशन पॉलिसीज में चेंज किया गया जब एच मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट किया गया उसमें बोला गया कि आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ते ही पढ़ते हो आपको संस्कृत लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी और साथ में जब तक आप क्लास फिफ्थ तक पहुंचोगे तब तक आपको क्षेत्रीय भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी तो ये जो काम किए जाते हैं इनका रीज़न क्या है इनका रीज़न यहाँ पर यही होता है चलो रेडियो डे एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है यहाँ पे रेडियो डे हो जाएगा तो यहां पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कोई भी डे सेलिब्रेट हो रहा है तो वो यहाँ पर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए है जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी हिंदी मार्क करके मताना देवनागरी लिपि आपको मार्क करनी है और आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा थ्री थ्री इसका आर्टिकल नंबर रहेगा जिसमें आपको ये चीजें मिलती हैं अच्छा ठीक है अगला देखो यहाँ पे सुधर्मा दी ओनली संस्कृत न्यूज पेपर एग्जाम में स्टैटिक के पार्ट में पूछ सकते हैं कि संस्कृत भाषा में कौन सा एक न्यूज पेपर जारी किया जाता है आंसर क्या हो जाएगा सुधर्मा और ये जारी कब से हो रहा है 1970 से होता आ रहा है और ये पब्लिश कहां से होता है मैसूर यानी कि कर्नाटका से इसको पब्लिश किया जाता है मैसूर पार्क एंड मैसूर कैसे बोल सकते हो अगला सवाल अग्नि क्षमा सेवा पोर्टल ये अभी हाल ही में एक तरीके का एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसमें क्या होगा फायर सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे यह अभी हाल ही में कौन से राज्य में शुरू किया गया आंसर बनेगा यहाँ पर ओडिशा के अंदर शुरुआत हुई है देखिए ओडिशा के सीएम कौन हो जाएंगे नवीन पटनायक जी गवर्नर कौन होंगे गणेशी लाल जी लोकसभा सीट ट्वेंटी राज्यसभा सीट दस बिदर नेशनल पार्क और साथ में घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है पारादीप पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा और चिल्का लेक की लोकेशन भी यहीं पर है चिल्का लेक जो है वो आपको मालूम है कि सॉल्टी लेक है खारे पानी की झील है और यहीं आपको एक आइलैंड भी मिलता है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड और इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ओडिशा से देखे अब इसमें होगा क्या देखो इसमें क्या है फ्राइडे को एक्चुअल में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इस पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसमें क्या होगा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जैसे कि मान लो कि कोई बिल्डिंग है है ना कोई घर बनाना है कोई काफी ऊंची बिल्डिंग बनानी है कोई मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क करना है किसी को स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए उसको ऑफिस चाहिए होगा एक जगह चाहिए होगी एक लैंड चाहिए होगा तो उस जगह पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा वो ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि अगर उसमें आग लगे तो आपके पास सेफ्टी के काफी सारे ऑप्शन खुले होने चाहिए तो यहाँ पर इसको लॉन्च अभी कहां किया गया है ओडिशा के अंदर अब देखिए ओरिसा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है मोहम्मद रफीक जी अभी कुछ टाइम पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मो जीवन मो प्रतिभा ये कैंपेन शुरू किया गया उड़ीसा में पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया चित्रा जात्रा फेस्टिवल येल्लो टर्टल पे भी हाल ही में यहां पर मिला था यहां पे देखो ये जो बाबू पेंशन योजना थी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसजेंडर हैं अब इनको भी इसी के अंदर सुविधाएं दी जाएंगी अभी तक इसको इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता था अगला देखो अगर पूछ लिया जाए अगर पूछ लिया जाए यहां पर कि ये बता दो ओरिसा का पुराना नाम क्या था तो ओरिसा को पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता था कलिंगा और सुनिए ना अशोका के टाइम पे आपने सुना होगा हिस्ट्री में चीजें पढ़ी होंगी तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके ओके तुम तो लोग ना ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे किया करो देखो अगला देखो यहाँ पे नेम द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन तमिल आपको बताना है कि तमिलनाडु से एक राइटर बिलोंग करते थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था आपको बताना है उनका नाम क्योंकि अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है देखो जब ऐसे सवाल बनते हैं ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ क्या आना चाहिए सिंपल सा एक थॉट आना चाहिए और वो थॉट क्या होगा कि अगर राइटर का नाम पूछा गया है तो नाम पता हो और वो कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है इतना पता होना आपके लिए जरूरी होता है इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता ठीक है चलो अच्छा अब अगला देखो दिस इज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए सवाल में पूछा जा रहा है विद्यार्थी विज्ञान मंथन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया आंसर बनेगा यहाँ पे हर्षवर्धन जी आप कहेंगे मैम विद्या की बात हो रही है और यहाँ पे नाम हर्षवर्धन जी का आ रहा है एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा ये आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस का पार्ट है है और ये मंत्रालय किसके पास हर्षवर्धन जी के पास है पे राजनाथ सिंह जी के पास आपको डिफेंस मिनिस्ट्री मिलेगा और यहाँ पे अगर हम अमित शाह जी की बात करें जिनको कोविड हो गया है तो इनके पास आपको गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी अब देखो इसमें है क्या देखिएगा समझिएगा ये एक तरीके का इनिशिएटिव है डिजिटल मोड पे क्या है डिजिटल मोड पे इसकी शुरुआत करी गई है 2020 से लेकर 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा इसमें क्या होगा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास सिक्स से लेकर इलेवन के बीच में पढ़ते हैं उनके बीच में साइंस की जो नॉलेज होती है साइंस का जो क्रेज होता है साइंस को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया क्या होगा इसमें इसमें होगा कंपटीशन अब ये जो कंपटीशन होने जा रहा है इसमें क्या किया जाएगा जो अलग अलग क्लासेस से बच्चे हैं ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे ओवरऑल अगर हम हर क्लास की बात करें तो हर क्लास से आपको 20 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे इसमें से क्या किया जाएगा अलग अलग लोगों को निकाला जाएगा जैसे कि मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग लिस्ट बनेगी स्टेट लेवल पर अलग लिस्ट बनेगी नेशनल लेवल पर अलग लिस्ट बनेगी और फिर इसमें क्या होगा अवार्ड्स दिए जाएंगे तो साइंस को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यहां पे इस इनिशिएटिव को लिया गया है नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है दिमाग में थॉट आ जाएगा अच्छा ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री बनेगी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा शुरू किया गया अब इसमें ये बोला जा रहा है कि नेशनल लेवल पर भी टॉपर होगा स्टेट पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जिनको यहां पे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ठीक है <coughs> चलो कॉम्पिटिशन होगा बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहेगा ठीक है ओके अरे हाँ भैया अब ठीक देखो कोविड एक ऐसा चल रहा है कि हर जगह पे पे किसी ना किसी को कोविड हो ही रहा है अब इसके बारे में इतना ज्यादा अगर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे कोविड किसको हुआ है किसको नहीं तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा ठीक है चलिए अच्छा अगला देखो यहाँ पर बताइए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है आंसर बनेगा यहाँ पे लुइस हैमिल्टन आपके सामने एक पूरी लिस्ट है जो अभी हाल ही में यहाँ पे जीती गई है पहले तो ये जान लो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और कौन सी इनके द्वारा फॉर्मुला वन के अंदर जो कार है वो ड्राइव करी जाती है दैट इज मर्सिडीज अब देखो पर आपको याद रखना है ऑस्ट्रियन हंगेरियन और ब्रिटिश इन चारों के नाम और ये चारों किसके द्वारा जीती गई हैं तीन तो इन्हीं के नाम आ गए सिर्फ एक नाम अलग है नाम याद कर लीजिएगा कौन सी कार को ड्राइव करते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है कई बार कंट्रीज भी पूछ ली जाती हैं तो जैसे कि ऑस्ट्रियन वाली है तो ये फिनलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर इनकी कंट्री किसकी बेलिटरी की ठीक है चलो अच्छा वन लाइन न्यूज पे आते हैं सबसे पहली न्यूज इंपॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का भी प्रावधान है जैसे कि आप देखेंगे जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती हैं अब इंडिया के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं तो ज़रा सा वो देख लेते हैं जैसे कि फ्रेंच हो गई जर्मन हो गई स्पैनिश हो गई चाइनीज हो गई जापानीज हो गई ये पांच आपको लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं जिनका नाम पहले से लिखा हुआ था हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि अगर भारत में कोई भी बाहर की भाषा सीखना चाहता है तो वो इन पांच लैंग्वेजेस को सीख सकता है बट अब इसमें क्या किया गया है जो चाइनीज लिखा है ना ये कौन सी लैंग्वेज है मैंडरल लैंग्वेज है इंडिया ने इसको कर दिया है यहाँ से बाहर अब एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा आपको सारी लैंग्वेजेस दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि कौन सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब नहीं आता है तो आंसर ये मार्क करके चले आना फिर अगर देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो इंग्लिश बोली जाती है और दूसरा अगर देखा जाए तो आपकी मेड्रिन और तीसरी लैंग्वेज कौन सी है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है दैट इज हिंदी लैंग्वेज तो वन लाइनर एर में आपको ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि ये जो लैंग्वेज है अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बाहर हो गई है भैया पीडीएफ कहाँ मिलेगा सेशन के लास्ट में बताएंगे अगला देखो यहाँ पर वन लाइनर अगला वन लाइनर इंपॉर्टेंट भारत एयर फाइबर सर्विस देखो यहाँ पर ये जो सर्विस है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है कहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया अब इसमें है क्या आगे हिंदी में भी लिखा है टेंशन में मत आ जाना देखो इसमें होगा क्या आपको मालूम है कि आजकल हर एक जो चीज है वो डिजिटल मोड पे जी रही है ये सब लोग जानते हैं तो बी ने क्या लॉन्च किया है भारत एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करी है जिसमें क्या होगा जितने भी ऐसे लोग हैं जो 20 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं उन सबको अब सर्विसेज यहाँ पे बी के टावर के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी ठीक है ये याद रखना इनिशिएटिव किसका है बी का है और कहा पर लॉन्च किया गया तो महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है इसकी रेंज कितनी रखी गई तो 20 किलोमीटर फ्रॉम दी लोकेशन ऑफ द बीएसएनएल टावर यानी कि बीएसएनएल का टावर अगर यहाँ पे लगा है तो यहाँ से 20 किलोमीटर के एरिया में आपका जो फोन है उसका जो डेटा है जो आपका फोन में जो नेटवर्क होता है ना वो बिल्कुल चकाचक चलने वाला है ठीक है अच्छा अब देखो तीसरी यहाँ पे वन लाइनर न्यूज क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यहाँ पे मिलके इनोवेटिव पेमेंट है जिसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है अब ये क्या करेगा क्रेडिट कार्ड ई प्रोवाइड कराएगा क्रेडिट कार्ड सबको मालूम है अब उस पर क्या होगा ई की भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी आपसे एग्जाम में सिंपल पूछा जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में या फिर यहाँ पे इनोवेटिव पेमेंट के बारे में तो अब देखो आपको याद क्या करना है जो रट्टा मारना है वो बता दें सबसे पहला इनोवेटिव पेमेंट हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेंगलुरु के अंदर और बेंगलुरु में ही आपको कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा इसके सीईओ कौन हो जाएंगे राजीव अग्रवाल जी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आएगी तो मालूम होना चाहिए भैया बड़ौदा है तो बड़ौदा ही होगा यहाँ पे गुजरात और इसके अगर सीईओ पूछे जाएंगे तो राजीव चड्ढा जी होंगे कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोटेक महिंद्रा के बारे में जिन्होंने कोना कोना नाम का एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें मैंने कहा था कि अब हर एक पर्सन को कुछ नई प्रायोरिटीज दी जाएंगी जैसे कि मान लो लोन लेना है तो आसानी से मिल जाएगा ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं तो देखो वो ऐसा वाला होता है अगर आप एक दिन क्लास मिस कर दोगे ना तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते हो तो प्लीज क्लास को मिस मत किया करिए अपने फेस्टिव टाइम से बाहर आ जाइए ठीक है नहीं 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 नूर को नूर को नहीं मिलेगा यहाँ पे अगला देखो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी इनके द्वारा एक किताब रिलीज करी गई है जिसका नाम क्या है सियासत में सदस्यता सियासत में सदस्यता अब ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है तो नाम याद रखिएगा विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है लॉन्च किसने किया है यहाँ पर नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कि बिहार के कौन है सीएम है अगर हम आपसे पूछे गवर्नर कौन है तो फागू चौहान जी यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी का नाम माँ करके मत चले आइएगा ठीक है एग्जैक्टली uh, अगला exactly. देखो भैया यहाँ पे थोड़ा सा नाम आपको फिर याद करना है मोहम्मद इरफान अली जी को अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त तो किया गया है कहाँ का गुयाना का तो गुयाना की कैपिटल क्या, क्या हो जाएगी जॉर्ज टाउन और अगर इसकी करेंसी पूछी जाएगी तो क्या होगी डॉलर एक बार से मैप में हम लोग देख लेते हैं ये देखो दिस इज वेनेजोला यानी कि हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कोलंबिया वेनेजोला और इसके बगल में आपको जगह नजर आ रही है उसके बगल में सूरी है एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कि ये जो गोयना नाम की जगह है ये कौन सी वाटर बॉडी के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती है आंसर देखो मैपिंग ऐसे ही याद होगी कितनी भी शॉर्ट ट्रिक क्यों ना लगा लो याद ना होगी क्या हो गया तन्मय और दीप्ति क्यों आपस में लड़ लो भाई पढ़ लो ना यहाँ पे चीजों को अब देखो आया चाइना चाइना जरा बात करते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था चाइना ने अपनी जो नेविगेशन सेटेलाइट है जिसका नाम है बियोदिन इसका पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया है अब आप कहेंगे पूरा प्रोसेस क्या मतलब हुआ देखो यहाँ पे समझिएगा सबके फोन में जीपीएस सिस्टम होता है सबको मालूम है ऐसे कि मान लो कि रास्ता भूल जाते हैं या फिर हमें चेक करना होता है कि रोड पे कहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक है जब ये चीजें हम लोग को चेक करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं अपने फोन का जीपीएस सिस्टम ऑन करते हैं जो कि गूगल के थ्रू हमें बता देता है कि कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है कहाँ पर नहीं है यही चीजें तो होती हैं तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है चाइना ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च करके पूरा प्रोसेस ख़त्म कर लिया है अब चाइना को किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसके लिए कनेक्टिविटी के लिए अब आप कहेंगे मतलब देखो मतलब यहाँ पर यह है चाइना जो है इसने 1994 में अपना एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम क्या था बीओदिन इसके अंदर टोटल अगर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स पूछी जाए जो कि फंक्शनल है तो इसमें टोटल कितनी सैटेलाइट्स यहां पे फंक्शनल आप देख सकते हो 35 टोटल भेजी गई थी लेकिन इसमें से जो फंक्शनल है वो कितनी है 27 फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं ठीक है फंक्शनल सैटेलाइट्स पूछी जाएंगी तो 27 अगर टोटल पूछी जाएंगी तो थर्टी थोड़ा सा शब्दों का खेल है ध्यान से समझना अब क्या होगा अभी तक अगर हमें चाहिए होता था जीपीएस सिस्टम अगर हमको यहाँ पे मान लो कि कनेक्टिविटी चाहिए होती थी तो हम क्या करते थे यूएसए के ऊपर डिपेंड रहते थे इसी तरीके से चाइना भी यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट था अब यहाँ पे आपको मालूम है कि दोनों के बीच में तना तनी हो गई है अब तना तनी हो गई अब थोड़ी ना हम जाएंगे भैया थोड़ा सा नेट मिलेगा क्या ऐसा थोड़ी ना करेंगे तो चाइना ने अपना जो मिशन है वो पूरा कर लिया है जिसका नाम क्या है यहाँ पे बिओ इस पूरे मिशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है अलग अलग लेयर्स होती हैं ठीक है थीके? जैसे कि मान लो ये अर्थ है ये पृथ्वी है इससे जब हम 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक का एरिया देखेंगे तो इसे बोला जाता है एलईओ यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट मैक्सिमम अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन सेटेलाइट तो आपको इसी वाले एरिया में मिलेंगी इसके ऊपर जो एक और लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं और इसके ऊपर भी आपको एक और लेयर मिलती है लेकिन हमें याद कौन सी करनी है मिडिल अर्थ ऑर्बिट ये वाली जो होती है ये 2000 किलोमीटर से ऊपर होती है और ये जो बियोदिन सेट किए गए हैं ये सारे के सारे सेट किए गए हैं पर मिडिल अर्थ ऑर्बिट में यानी कि अब चाइना को किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अब सवाल ये आता है कि भैया जीपीएस सिस्टम तो चलो समझ में आया अब जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है ये भी बता दीजिए तो ग्लोबल प्रोसेस पोजिशनिंग सिस्टम ठीक है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये किसका है दिस इज ऑफ यूएसए तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो बी है यानी कि जो बियोदिन है इज इक्वल टू जीपीएस हम ये चीज कह सकते हैं ना क्योंकि जो जीपीएस सिस्टम है वो तो यूएसए का है और ये जो सिस्टम है किसका है चाइना का है लेकिन काम तो सेम ही करेगा ना तो क्या किसी और कंट्री के पास भी ऐसा कुछ है कि अपने खुद का यहाँ पे इनके पास सैटेलाइट्स हैं इनको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता जी हाँ बिल्कुल है कौन रशिया क्या नाम है लोनार और कोई है जी हाँ यूरोपियन यूनियन क्या नाम है गैलीलियो अब कहोगे इंडिया के पास में क्या इंडिया के पास भी है इंडिया के पास है लेकिन कंडीशन अप्लाइड है इंडिया की जो है उसका नाम नाविक है लेकिन ये सिर्फ आपको रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है मतलब यहाँ पे 1500 सौ किलोमीटर्स का जितना भी एरिया है इंडिया के आसपास का उतने एरिया का जीपीएस नेटवर्क आपको प्रोवाइड किया जाता है नाविक के द्वारा मतलब ये कुछ ही जगह का आपको एरिया प्रोवाइड करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड का नहीं बट चाइना का जो है वो आपको पूरे के पूरे वर्ल्ड का प्रोवाइड करने वाला है आप देखो मार्च में तो पहुंच ही चुके हैं उसके बाद अब पूरा पूरा ये मिशन भी कर लिया तो आप ये कह सकते हो कि सिर्फ जमीन पे ही काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये स्पेस में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनके ऊपर अभी आप देख सकते हो कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं तो बी प्रिपेयर एग्जाम में सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा ठीक है चलो अच्छा अब देखो स्ट्रीट पे आते हैं स्ट्रीट में चलने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं किसके छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में जरा ध्यान रखिएगा कैपिटल विल भी रायपुर यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे भूपेश बघेल जी गवर्नर पूछी जाएंगे या उइकी जी रहेंगी इसका गठन कब हुआ है तो आंसर बनेगा दो में आपको मालूम है अभी मैंने आपको बताया झारखंड एंड उत्तराखंड बोथ टू थाउजेंड यहाँ की जो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा मिलती है तो कितनी सीटें नाइनटी वन सीट इसके साथ में जो आपका लोकसभा हो गई ग्यारह राज्यसभा हो गई पांच यहाँ पर आपको एक डैम देखने को मिलता है जिसका नाम है हजदो महानदी का नाम सबने सुना है महानदी की एक ट्रिब्यूट्री है जिसका नाम क्या है हसदो रिवर उसी के ऊपर ये डैम बना हुआ है यहाँ का फोक डांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द पेट क्वेश्चन फ्रॉम रेलवे टिल यूपीएससी ठीक है पेट क्वेश्चन फ्रॉम रेलवे टू यूपीएससी नेशनल पार्क कौन सा इंद्रावती कानीगर और गुरु घसीदास नेशनल पार्क ये कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और अगला देख लो यहाँ पे अच्छा, सॉरी अचानक अमरकंटक अचानक करके जो एक नाम आपको मिलता है ना ये क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से दो स्टेट्स के बीच में है तो आंसर हम करके आइएगा छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में आपको ये एरिया मिलता है ठीक है चलिए अच्छा ऑल गुड भैया जिंदा हो सब लोग चलिए आप देखो आ जाओ कंट्री के पार्ट पे कंट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं बांग्लादेश बाय बांग्लादेश क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इंडिया जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर हम यहाँ पे ओवरऑल पूरी लोकेशन देखें तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे ज्यादा साझा होती है फिर मैंने आपको बताया था दस लोकोमोटिव इंजन जो है वो बांग्लादेश के अंदर भारत के थ्रू गए हैं फिर आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे जो रिलायंस है वो किसके साथ में मिलके एडीबी के साथ में मिलके, मिलके इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पावर जनरेशन के लिए तो काफी सारी चीजें हैं तो एक बात से जरा बांग्लादेश के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ठीक है पहला देखो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ का नेशनल एनिमल कौन सा है बेंगाल टाइगर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है यहाँ पे इनका अगर आपसे पूछते हैं नेशनल फ्रूट क्या है तो जैक फ्रूट हो जाएगा फिर आ जाओ इसकी कैपिटल ढाका रहेगी यहाँ पे अगर करेंसी पूछी जाएगी तो टका हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली आधे लोगों को तो शायद ये चीज़ शायद ही पता होगी यहाँ पे कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है नेक्स्ट यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है अब्दुल हामिद जी प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएंगे तो शेख हसीना जी रहेंगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम संप्रति है और यूएसए और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम कैरेट है दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको मिलती हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जूट इंडस्ट्रीज हैं गार्मेंट्स है टी एंड प्रोसेसिंग है बट पॉइंट टू बी नोटेड पूरे वर्ल्ड में जो जूट है उसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है दैट इज बांग्लादेश बट ये ध्यान रखिएगा अगर प्रोड्यूसर पूछा जाएगा कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है तो इंडिया के वेस्ट बंगाल के एरिया में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है बांग्लादेश जो है वो सार्क का भी सदस्य है बिम्स्टेक का भी सदस्य है और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इनका भी एक ग्रुप है और इसका भी ये सदस्य है बांग्लादेश का यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा कबड्डी तो दीज आर द पॉइंट्स जो हमको बांग्लादेश के स्टार्टिंग से याद करने हैं लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है दैट इज रिवर्स यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो जमुना नदी है और तीसता रिवर ये रिवर्स दोनों यहां की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जमुना कौन सी है जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है उसको हम जमुना बोल रहे हैं और जब हम तीसता रिवर बोल रहे हैं तो ये सिक्किम से आती है वेस्ट बंगाल में जाती है और फिर ये कहाँ आएगी बांग्लादेश और ये रिवर डिस्प्यूटेड है विवादित है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए अब पहले तो बता दो सब कुछ याद हो गया कि नहीं याद हुआ एंड हाउ वाज द सेशन ये तो पूछना बंद है आज का होमवर्क सुन लो एक बार से आज का होमवर्क क्या है आज आपको यहाँ पे होमवर्क में बताना है अभी रिसेंटली जितने भी अपॉइंट हुए हैं उनके नाम और कहा पर उनको एज ए अपॉइंट किया गया है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो क्लासेस लिए कि आपको कितना रिवाइज है अब एक चीज आपको और बता दें ये जो स्टेट लेवल के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है अभी भी जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो करुणा करेक्ट प्रमोद करेक्ट अभय राइट कनक ओके okay, देखो डोनाल्ड ट्रम्प इजो ऑल्सो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट लेवल का जो क्रैश कोर्स चल रहा है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी पे और जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो जीएस के साथ में मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और हिंदी के भी आपको क्लासेस मिल जाएंगे कोड विल बी प्रति टेन इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसके साथ में ये जो बैच यहाँ पे अभी चल रहा है जोग्राफी का चल रहा है ज्योग्रफी का इसमें नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है बीस तारीख से जिसमें हम पॉलिटी शुरू करेंगे फिर हिस्ट्री फिर साइंस फिर इकोनॉमिक्स इस तरीके से सारी की सारी चीजें चलेंगी और बिल्कुल लास्ट में जाके जोग्राफी एक बार फिर से आपको मिल जाएगा जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं और साथ में मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग आप किसी भी अन के एजुकेटर का देख सकते हो चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना पढ़ाता हो अन अकेडमी एजुकेटेड है दैट मीन्स आपके लिए वो नाम अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको अवेल करने के लिए भी कोड क्या रहेगा कृति टेन कोड रहेगा नया बैच बीस तारीख से शुरू होने जा रहा है तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एस एस सी के लिए हों चाहे फिर वो स्टेट लेवल के लिए हों अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो इसका लिंक भी कहाँ मिलेगा टेलीग्राम पर भैया स्पेशल क्लासेस लास्ट अनाउंसमेंट जरा ध्यान से सुनिए पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा स्पेशल क्लासेस आज आपकी दो बजे जो है उसमें हम लोग जीडीपी और जीएनपी को मिलाकर यूएसए चाइना इंडिया की कंडीशंस को देखेंगे और ये आपका थ्योरी क्लास होगा फ्रॉम एनसीआरटी दो बजे क्लास है और इस क्लास का जो लिंक है वो बारह बजे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा मेरे दूसरा देखो शाम को छः बज के दस मिनट पर क्लास रहेगा जिसमें लूज एंड क्वालिटी के हम लोग कवर करना शुरू करेंगे ठीक है दोनों क्लासेस के लिंक पी हर एक चीज़ का डेस्टिनेशन एक ही है वो डेस्टिनेशन क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है करंट अफेयर्स बाय कृति इस पर ज़रा ध्यान से जुड़ना भैया फोर्टी से ज़्यादा इस पर लोग जुड़े हुए शायद फोर्टी हो गया मुझे ध्यान नहीं है थैंक्स टू तो ऑल बट मुझे ध्यान नहीं है कि कितना हो गया मैंने देखा नहीं है तो प्लीज़ इसको ज़रा सही से सही जगह पर जुड़िएगा ताकि आप मिलती रहे क्योंकि कई बार क्या होता है ना काफी सारे भी बने जब आप लोग जुड़ जाते हो तो तो आपको नहीं मिल पाती तो में आना मत भूलिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं और अब आपसे मुलाकात होगी 11 बजे ऑन यूट्यूब और फिर मुलाकात होगी 2 बजे और शाम में छह बज के दस मिनट पे कोई अगर बर्निंग इशू होगा तो शाम को पौने छ बजे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे अलग चले भैया बेटा आर्टिकल चलो बताएंगे जब ये पॉलिटिक पढ़ना शुरू करेंगे ना देन आई विल टेल यू तो परेशान मत हो उसके लिए अब सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी अब इसके बाद भूलिएगा मत कितने बजे हाँ ये देखो यहाँ पे अरंदे में जौलसोल लाइए चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से ग्यारह बजे टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए स्टे एट होम दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट तो तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और पी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर तो मिलते हैं आप लोगों से ग्यारह बजे ऑन द यूट्यूब चैनल टिल देन बु बाय एंड टेक केयर